अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 का ही लेक्चर है, एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? सिंथेटिक डिवीजन इज अ शॉर्टकट मेथड और प्रोसेस इन विच वी कैन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। यानी अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हों तो उसको उसका रिमाइंडर कैसे निकालना है और उसका क्वेश्चन कैसे निकालना है। आपने नाइन्थ में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की मदद से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन इट इज़ अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन इफ इट इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर। तो ये देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। फाइंड एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। एक्सप्रेशन दी गई है 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। एक्स प्लस थ्री इसका डिवाइजर है और ये पॉलीनोमियल है 4x³। यानी जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले जो गिवन पॉलीनोमियल है उसके ऑर्डर को चेक करना है। ऑर्डर से क्या मुराद है? इट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4x³ है, उसके बाद x है, तो x³ के बाद x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट। इसी तरह अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है जिसमें पावर 4 होती है, तो x4 है, उसके बाद फिर x3, फिर x2, फिर x1 और फिर कॉन्स्टेंट आनी चाहिए। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल लुक वेदर द ऑर्डर इज कम्प्लीट और नॉट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको लेट करना है, ये पॉलीनोमियल है, और उसके ऑर्डर को कम्प्लीट करना है। जो वेरिएबल मिसिंग होगी उसकी जगह हम 0 यूज कर लेंगे। कैसे? गिवन पॉलीनोमियल इज 4x³ - 5x + 15। हम लिखेंगे लेट p ऑफ x, यानी पॉलीनोमियल इज 4x³ + 0x² - 5x + 15। 0 क्यों लगाया? क्योंकि x³ के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में x² वाली टर्म होनी चाहिए थी, वो मिसिंग थी, लिहाजा उसके साथ 0 लिख देंगे। फिर आगे x वाली आ गई और फिर कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। ये हमारा पॉलीनोमियल कंप्लीट हो गया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ x + 3 इज द डिवाइजर विच इज द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। ये आपने जब चैप्टर नंबर 5 में, 9th में पढ़ा था, तो जो भी उसका डिवाइजर होता है वो 0 ऑफ द पॉलीनोमियल कहता है। लिहाजा जो भी डिवाइजर दिया उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू लेंगे, और उसके बाद उसके साथ उसकी मदद से हम सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो पुट x + 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। यानी 0 ऑफ द पॉलीनोमियल है, x की वैल्यू -3। अब ये एक सर्टन प्रोसेस है, इसलिए मैंने इनको सॉल्व नहीं किया, इस ब्लैंक्स होगा। इसका मतलब मैं आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, 1, 2, 3 क्वेश्चन करूँगा तो इंशाल्लाह आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। फिर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया है, वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। द प्रोसेस इज, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम डिज़ाइन करेंगे, ऐसे एक लाइन इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा पॉलीनोमियल है उसके कोफिशियंट्स को लिखेंगे इस तरह ऑर्डर में, यानी x³ का कोफिशियंट 4, x² का कोफिशियंट 0, एक्स का कोफिशियंट -5 और 15। यानी इसके सिर्फ कोफिशियंट्स को हमने लिखना है, 4, 0, -5 एंड 15। उसके बाद ये लाइन वाली हमने बाद में ड्रॉ करनी है, जो लास्ट में कॉन्स्टेंट होगी या लास्ट टर्म जो भी बचेगी वहाँ पे आपने ये लाइन खींचनी है, ऐसे फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे उसको जो हमने डिवाइजर की वैल्यू यानी 0 तो पॉलीनोमियल निकाला वो लिखा जाएगा -3। सिमिलरली जैसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं कि हम एक वैल्यू अंदर रखते हैं बड़ी वाली और छोटी वाली बाहर रखते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट टर्म है आप इसको एरो के नीचे ऐसे एज इट इज नीचे कैरी कर। अब -3 और 4 का प्रोडक्ट लें, -3, 4 = 12, इसको यहाँ लिखें। अब फिर 12 + 0 करेंगे तो सम यहाँ पे, अब फिर जो आंसर आया है उसका फिर प्रोडक्ट लिखें, 12 + 3 = 36, यानी -36। फिर इन दोनों का सम लें, -5 और -36 का सम लिया तो -41। अब फिर जो आंसर आया इसका प्रोडक्ट लें, -3 × 41 - 41, तो 3 × 3 = 3, 3 × 1 = 3 and 3 × 4 = 12, -+। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 5 + 3 = 8, 1 + 2 = 3 and 1। इसका क्या मतलब हो गया कि सबसे पहले जो हमने वैल्यूज थी उसके कोफिशियंट्स यानी पॉलीनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उनके पॉलीनोमियल्स के कोफिशियंट्स को यहाँ पे लिख लेना है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट टर्म है उससे पहले एक ये लाइन लगा देनी है।
अब जो इसका डिवाइजर दिया हुआ था यानी जीरो था पॉलिनोमियल, उसको यहाँ पे लिखना है, फिर जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज कैरी करना है, फिर जो आंसर आएगा इसको और इसके प्रोडक्ट को आगे कैरी करना है, माइनस थ्री फोर जार माइनस ट्वेल्व आना था, सॉरी माइनस ट्वेल्व आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 36, फिर 36 माइनस 5 करेंगे 31, अब 31 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 1 3 और 3 3 9 माइनस 93। अब इनका सम करेंगे, माइनस 93 और प्लस 15 माइनस 78, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है यानी इस लाइन से पहले, यहां से आपने क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन बनाने की भी टेक्निक आसान, यहां से फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होगी, ये एक्स वाली होगी, ये एक्स स्क्वायर वाली होगी, यानी ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ एक्स लगाएंगे और इसके साथ एक्स स्क्वायर, अगर और टर्म होती तो उसके साथ एक्स क्यूब, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये हो गया 4x² माइनस 12x प्लस 31, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, और ये जो आंसर आया भाई इधर, ये हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में भी ऐसे सिंथेटिक डिवीजन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्क क्या है इसमें, उसमें वहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, एज की पी की वेरिएबल को दी होगी, तो उसकी वजह क्या होगी कि जो ऐसे वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मेट बनाने के बाद हम वहाँ से उसका रिमाइंडर निकालेंगे एंड रिमाइंडर को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, बिकॉज व्हेन द वैल्यू ऑफ एज इज टू बी फाउंड, हमें यह पता है कि हर चीज़ जिसका जो सिंथेटिक डिवीजन में, कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ये इसका जीरो तो पॉलिनोमियल है, लिहाजा यहाँ से हम रिमाइंडर की जो वैल्यू निकालेंगे उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और फिर उसमें से एच के पी जो कुछ होगा वो आराम से निकाल लें। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर टू, लेट द पॉलिनोमियल बी एक्स क्यूब माइनस 2hx² प्लस 0x प्लस 11, यानी मैंने उसको पहले ही ऑर्डर को कम्प्लीट करके लिखा क्योंकि उसमें था एक्स क्यूब माइनस 2hx² प्लस 11, तो उसको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि एक्स वाली वेरिएबल मौजूद नहीं थी, जैसे उसके साथ जीरो लगा लेंगे। वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर वन में हमें पॉलिनोमियल का जीरो नहीं बताया था, हमें डिवाइजर बताया था एक्स प्लस 3, तो उसको हमने इक्वल टू जीरो पुट करके उसकी वैल्यू निकाल। क्वेश्चन नंबर टू में डिवाइजर नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने बता दिया कि जी वन इज या माइनस वन इज द वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वन हमें दिया है, लेकिन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वैल्यूज पुट लेंगे, ऐसे ही एक्स क्यूब का कोफिशियंट आ गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ गया माइनस 2h और एक्स का कोफिशियंट आ गया 0 एंड 11 लाइन से दूसरी तरफ आ गया। अब वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सबसे पहले पहली टर्म को एज इट इज कैरी कर लें 1, अब 1 और 1 का प्रोडक्ट लें, 1 1 जार 1, अब जो आंसर आया उसका सम लें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थी 0 प्लस माइनस 12 किया तो माइनस 12 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे एक वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट लिया था, दोनों साथ साथ हैं, इसको लिखेंगे माइनस 2h + 1। अगेन अब जो आंसर आया इसका प्रोडक्ट लें, इसका और उसका प्रोडक्ट लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करें, 1 × −2h − 2h + 1 1 = 1, फिर सामने सम आ गया, 0 में ऐड करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा माइनस 2h + 1, अगेन प्रोडक्ट लें 1 × −2h + 1 −2h + 1, अगेन यहाँ पे सम लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड कर दें, यानी −2h + 1 और 11 का सम लिया तो 12। अब यहाँ से रिमाइंडर आ गया क्योंकि ये लास्ट वाली फिगर है हमारी रिमाइंडर की, तो मैंने क्या बताया कि क्योंकि ये इसका डिवाइजर है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, जो लास्ट में ये हमारा रिमाइंडर होता है इसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, सो −2h + 12 = 0, सो −2h = −12, सो h = −12/−2, 2 × 2 = 6, h = 6। सिमिलरली पार्ट टू मैंने कहा, पार्ट वन और पार्ट थ्री बिल्कुल इसी तरह आपने कहा।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में भी जितने पार्ट्स हैं तकरीबन सब एक ही जैसे हैं, उसमें से मैंने पार्ट नंबर थ्री सेलेक्ट किया। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसके तीन रूट होते हैं, यानी एक रूट हमें बताया, बाकी दो हमने फाइंड करने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। पार्ट नंबर थ्री, माइनस वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल गिवन है 4x³ - x² - 11x - 6। अब इसमें जीरो प्लेस करने की जरूरत पेश नहीं है बिकॉज क्योंकि पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में था, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, वी डोंट हैव टू प्लेस जीरो इन दिस पॉलिनोमियल। अगेन प्रोसेस वही होगा, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फॉर्मेट बनाया। अब एक्स ये जो पॉलिनोमियल है इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लिया, 4, -1, -11 एंड -6। जो लास्ट वाली फिगर है उससे पहले लाइन लगा दी, जो प्रोसेस अभी आपने क्वेश्चन नंबर वन और टू में देखा। अगेन 4 को एज इट इज कैरी करके नीचे लें। नाउ टेक द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 4। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4। नाउ टेक द सम ऑफ दिस वैल्यूज, -1, -4, -5। फिर -1 इंटू -5 प्लस 5। नाउ -11 प्लस 5 इज इक्वल टू -6। फिर -1 इज प्लस 6, 1 जार 6। द रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर फोर में क्या डिफरेंस देखा आपने, कि पहले में रिमाइंडर की वैल्यू -78 आई, दूसरे में एज के साथ है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है ये, और क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव, ये फोर एंड फाइव को जब भी आपने सॉल्व करना है, इसमें लिखा होगा कि सॉल्व भी करना है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। अगर ये यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इसको मतलब आपने सॉल्व को दोबारा चेक करना है कि क्योंकि इस इक्वेशन को हमने फर्दर सॉल्व करना है, इन दोनों को हमने फर्दर सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ रिमाइंडर निकालना था या क्वेश्चन निकालना था। इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व भी करना है, यानी इसके रिमेनिंग दो रूट्स डिफाइंड करने हैं और इसमें रिमेनिंग टू रूट्स उसमें भी निकालने। तो जब भी आपने उसको फर्दर सॉल्व करना है, उसके फर्दर रूट्स निकालने होंगे, तो हमेशा इसका रिमाइंडर जीरो ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने उसको रीचेक करना। नाउ ये जिसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, इसको हम कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। बनाएंगे वैसे ही, ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वेयर, यानी 4x² - 5x - 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम वैसे ही मिड टर्म ब्रेक से जैसे सॉल्व करते हैं, -4 - 6 × 4 - 24 आ गया। अब -24 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट लेंगे तो -24 आएगा और सम लेंगे तो वो -5 आएगा, तो -8 और +3। सो 4x² - 8x + 3x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 4x कॉमन कर लिया, अंदर आएगा x - 2 + 3 कॉमन कर लिया, x - 2 इज इक्वल टू 0। सो x - 2 × 4x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 3 इज इक्वल टू 0। सो 4x = -3 एंड x = -3/4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में हम तीनों वैल्यूज लिखेंगे क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, जैसे इसके तीन रूट्स निकलेंगे। एक रूट्स आप क्वेश्चन में गिवन था, बाकी दो हमने निकाला। पहला रूट जो गिवन था वो था -1, 2 एंड -3/4। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 4 होती है। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें दो रूट्स हमें बताए हैं, टोटल 4 रूट्स होंगे, उसके दो उसने गिवन दिए हैं और दो हमने कैलकुलेट करने, सिमिलरली जैसे ये वाला प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट वन सेलेक्ट किया है। 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल x^4 + 0x³ - 10x² + 0x + 9। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल दिया था कंप्लीट नहीं था, x की पावर 4 और x स्क्वायर वाली वैल्यू दी थी और कांस्टेंट दी थी, जो बीच वाली मिसिंग टर्म थी उसकी जगह 0 लगा दी। लेकिन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अब इसके दो रूट्स दिए हैं 1 एंड 3, हमने दोनों से पहले डिवाइड करना है। ये आपकी अपनी मर्जी के, पहले 1 से करना है 3 से, जो ऑर्डर लिखा था उसी से कर लेते हैं, क्योंकि 1 पहले है तो पहले 1 से कर लेंगे, फिर जो हुआ होगा उसी को आगे फर्दर 3 से कर लेंगे। ऑर्डर में लिखें, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट है 1,
जीरो, देन माइनस टेन, फिर जीरो और फिर नाइन, लास्ट वाली से पहले लाइन लगा दी। अगेन प्रोसेस वही है कि मैंने पहला रूट लिया वन, ये वाला वन एज इट इज आ गया, फिर वन वन जा वन, फिर जीरो प्लस वन वन, फिर वन वन जा वन, माइनस टेन प्लस वन माइनस नाइन, फिर वन इंटू माइनस नाइन माइनस नाइन, जीरो प्लस माइनस नाइन तो माइनस नाइन, फिर वन इंटू माइनस नाइन माइनस नाइन, नाइन प्लस माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब वो कह के जब भी फर्दर सॉल्व करना होगा तो रिमाइंडर हमेशा जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आ रहा तो हमने रीचेक करना है, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। अब यहीं से दोबारा हम फॉर्मूला लगा देंगे और जो दूसरा फैक्टर दिया उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी अब हमारे ये सिंथेटिक डिवीजन वन वन माइनस नाइन माइनस नाइन। अब वैसे करेंगे वन एज इट इज कैरी कर लिया, फिर थ्री वन जार थ्री, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर, फोर थ्री जार ट्वेल्व, माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री, देन थ्री थ्री जार नाइन, माइनस नाइन प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी जीरो क्यों आया, क्योंकि हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। जब भी हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करके उसको रूट्स निकालने होंगे द रिमाइंडर विल ऑलवेज बिकम जीरो। नाउ डिप्रेस इक्वेशन इज, ये कॉन्स्टेंट है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर, सो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी वैसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, थ्री वन जार थ्री, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसका प्रोडक्ट थ्री हो और सम फोर हो, वो थ्री और वन है। एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x कॉमन किया x प्लस थ्री, प्लस यहाँ से 1 कॉमन किया x प्लस थ्री, सो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस वन। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दो रूट्स हमने निकाले हैं, दो रूट्स के बनते हैं, जो गिवन रूट था 1 और हमने जो निकाला माइनस वन, यहाँ लिख दिया प्लस माइनस वन, फिर एक पॉजिटिव थ्री दिया हुआ था, एक हमने नेगेटिव थ्री निकाले तो प्लस माइनस थ्री। रिवाइज करवाते तो सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर एंड कोशेंट इफ एन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर जो दिया होगा वो क्योंकि उसका जीरो तो पॉलीनोम में कराता है कि जो भी डिवाइजर दिया उसकी वैल्यू को जीरो के बराबर पुट करें, वहां से एक्स की वैल्यू निकालें, सबसे पहले अपने पॉलीनोम का डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करें, अगर कोई वेरिएबल उसका मिसिंग है तो उसके साथ जीरो लगा के आप अपना डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करें, फिर उसके बाद इसका फॉर्मेट बनाएं, फॉर्मेट में वैल्यूज के कोफिशिएंट को पुट करने के बाद प्रोसेस फॉलो करें। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट टर्म को आपने एज इट इज नहीं चलाना है, फिर जिसका डिवाइड जीरो है उसका और इसका प्रोडक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड करें, फिर इनका सम लें, जो सम आ जाए फिर जो आंसर आए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करें, फिर सम लें, फिर जो नंबर आया उसका और इसका प्रोडक्ट लेके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें, उसके बाद सिंपलेक्स फॉर्म में लाएं, यहाँ से आपका जो आएगा वो रिमाइंडर होगा और ये आपका ही कोशेंट बनेगा जिसको हम बाद में डिप्रेस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट लें, ये कॉन्स्टेंट है, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वेयर, उसी फॉर्म उसको लिख देंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ एच इज टू बी कैलकुलेटेड, फिर उसी तरह वैसे फॉर्मेट पहले कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद वैसे लिखें, ये कैरी फॉरवर्ड करें, इसका प्रोडक्ट लेके आगे गिराए, फिर सम लें, फिर प्रोडक्ट लें, फिर सम लें, फिर प्रोडक्ट लें, यहाँ से आपका रिमाइंडर आएगा। जब भी आपने एच की वैल्यू निकालनी होगी तो रिमाइंडर को आपने इक्वल टू जीरो पुट करना है, जब इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो वहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर अगर आपको कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक रूट क्वेश्चन में दिया होगा, बाकी दो रूट्स आपने निकालने के लिए डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है। प्रोसेस वही होगा, पहले सिंथेटिक डिवीजन करें, पॉलीनोमियल का ऑर्डर कंप्लीट करें, वहाँ से रिमाइंडर की वैल्यू निकालें, जब आपने उसको फर्दर सॉल्व करना होगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। डिप्रेस्ड इक्वेशन फॉर्म करें, कोशेंट है वो डिप्रेस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मिड टर्म ब्रेक के जरिए फैक्टराइजेशन के जरिए आप उसके रूट्स निकालें। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें भी क्योंकि दो रूट्स के बने, फर्स्ट रूट से पहले निकालें रिमाइंडर जीरो आएगा, फिर सेकेंड रूट से निकालें रिमाइंडर जीरो आएगा, डिप्रेस्ड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसको फैक्टराइजेशन के जरिए या किसी और भी मेथड से सॉल्व करें और रूट्स कंप्लीट करें। होप यू अंडरस्टैंड।